जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग संधारित्र की ऊर्जा पढ़ने जा रहे हैं। यानी तो यहाँ पर संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो संधारित्र की ऊर्जा यानी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी आप कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा क्या है देखें, जब किसी भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए संधारित्र पर कार्य किया जाता है। संधारित्र पर किया गया यह कार्य उस संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित हो जाता है, जिसे हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई संधारित्र जिसकी धारिता C है और उस संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश आ जाता है, और हम ये मान लेते हैं कि उसी क्षण संधारित्र का विभव V डैश हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है CV, अगर यहाँ से हम V की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Q बाई C, और अगर यहाँ से V डैश की वैल्यू निकालें, हमने अभी देखा है कि जब हम संधारित्र को चार्ज कर रहे थे, संधारित्र को आवेशित कर रहे थे, तो आवेशित करते समय किसी क्षण जब आवेश Q डैश था तो संधारित्र का विभव भी V डैश था। अब अगर यहाँ से हम V डैश की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Q डैश अपॉन C। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, आपको पता है फार्मूला V इक्वल टू होता है W बाई Q। अगर यहाँ से W की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा V इंटू Q। अब ज़रा देखें, हम छोटा सा कार्य की गणना कर रहे हैं, थोड़े से कार्य की गणना कर रहे हैं, तो अगर किया जाने वाला छोटा कार्य डी डब्ल्यू है, संपूर्ण कार्य डब्ल्यू है, जब इसके साथ हम डी जोड़ देते हैं तो डी जोड़ देने का मतलब होता है छोटा सा कार्य। तो अगर छोटा सा कार्य देखिए, डब्ल्यू के जगह पे हम डी डब्ल्यू कर देते हैं, भी के जगह पर जो छोटा सा विभव आया था वह भी डैश था, और क्यू के जगह पे हम कर देते हैं डी क्यू। अब हम यहाँ भी डैश की वैल्यू रख दें तो देखें, भी डैश की वैल्यू रखते हैं फिर क्या मिलता है, ये डी डब्ल्यू इजकल टू भी डैश का मान हम रख दे रहे हैं, और भी डैश की वैल्यू है क्यू डैश अपॉन सी, और ये है डी क्यू। अब ज़रा आप देखें, यहाँ पर हम छोटा सा कार्य निकाले हैं और हमने आपको समाकलन का मेथड बताया है कि जब छोटा सा कार्य निकाल करके हम इस पूरे का समाकलन कर देते हैं तो हमें संपूर्ण कार्य की गणना हो जाती है, संपूर्ण कार्य हमें ज्ञात हो जाता है। चलिए हम समाकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो देखें समाकलन में
यहाँ पर समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह होता है। समाकलन को आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे, ये समाकलन का चिन्ह है, इसका मतलब समाकलन हो गया, इसका मतलब भी समाकलन हो गया। अब देखें इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये क्यू डैश अपान सी है, सी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का समाकलन या अवकलन नहीं होता है, इसलिए हम कांस्टेंट को बाहर रहने देंगे वन अपॉन सी, और ये हो गया आपका क्यू डैश डी क्यू। और सुनिए, जब संधारित्र को आवेशित किया जा रहा था तो प्रारंभ में संधारित्र पर आवेश शून्य था और बाद में आवेश क्यू हो गया था। एक चीज़ हम आपको बता दें, ये पहले भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि अगर यक्ष का समाकलन लेना हो ना, तो ये समाकलन का चिन्ह है और ये यक्ष है और डी यक्ष है। जब हम यक्ष का समाकलन लेते हैं तो यक्ष का समाकलन आता है यक्ष स्क्वायर बाई टू, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा क्योंकि इसको पढ़ेंगे, लेकिन आप आगे चल करके पढ़ेंगे। तो यक्ष का समाकलन यक्ष स्क्वायर बाई टू होता है, उसी तरह से यहाँ क्यू डैश है, तो क्यू डैश का समाकलन अगर हम लेंगे तो क्यू डैश स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये टू है, फिर देखें आप क्या हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ आप ये डी डब्ल्यू छोटा सा कार्य था, और जब छोटे से कार्य का हम समाकलन करते हैं ना, तो हमें पूरा का पूरा कार्य निकल जाता है, यहाँ पर पूरा कार्य निकल जाएगा डब्ल्यू। ये हो गया वन अपॉन सी, और क्यू डैश का समाकलन इस फार्मूले के आधार पे करेंगे तो क्यू डैश का समाकलन हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपान टू, तो वन अपान टू हम बाहर कर दे रहे हैं, और लोअर लिमिट है यहाँ पर है ज़ीरो और अपर लिमिट है क्यू। फिर देखें क्या मिलता है, ये हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने बताया कि जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के लिए संधारित्र पर कार्य किया जाता है, और संधारित्र पर किया गया कार्य ही उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी यू हो जाएगा। देखें वन बाई टू को हम पहले लिख देते हैं, और फिर नीचे ये सी भी है, और जानते हैं यह निश्चित समाकलन है। इन सारी चीज़ों को आपको आगे पढ़ना है, जब निश्चित समाकलन करेंगे तो क्यू डैश के जगह पे एक बार क्यू कर देंगे और माइनस क्यू डैश के जगह पे जीरो कर देंगे, मतलब क्यू डैश के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा ज़ीरो। और फिर देखिए क्या हो गया, ये हो गया यू इज इक्वल टू, ये हो गया वन अपान टू सी, और देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर बचा है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये आपको पता है कि q बराबर सी भी होता है, तो अब यहाँ पर u इज इक्वल टू वन अपान टू सी, और q के जगह पे हम कर दे रहे हैं सी भी, तो जब q के जगह पर सी भी करेंगे तो q का स्क्वायर कर दीजिए, q के जगह पर सी भी का स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू वन अपान टू सी, सी का स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर, और फिर भी का स्क्वायर करेंगे भी स्क्वायर, तो सी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू, और यहाँ बचा c, ये हो गया हाफ सी भी स्क्वायर। तो ये संधारित्र की ऊर्जा है, किसी भी संधारित्र की ऊर्जा की गणना हमें करनी होगी तो हम लोग इसी फार्मूले से करेंगे, यू इजकल टू हाफ सी भी का स्क्वायर।
तो आज हम लोगों ने संधारित्र की ऊर्जा को देखा। ये डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेस भी करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे ताकि यह इम्पॉर्टेंट टर्म सभी लोग समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।